गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल संजीव अपना व्लॉग। तो ये हमारे इस वाले घर का ये लास्ट व्लॉग ये या कल, क्योंकि आधा सामान आज आधा कल ऐसे होगा। ऑलमोस्ट मेन सामान तो आज चला ही जाएगा, नहीं आज सब जाएगा, छोटे छोटे जाएंगे तो कैसे होगा काम। देखे नहीं छोड़ के मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी छोड़ मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन पता है अजीब सा घर ना अभी तक रह रहता है, अभी अजीब एकदम अजीब सा लगने लगा मेरा जो भी है, मतलब एकदम कोजड़ा चमन लग रहा है घर अभी पूरा, और ऐसा फैल रहा है ना घर की बता नहीं सकते, ऐसा फैल रहा है। हाँ मेरा पर्स मोबाइल सबका सब पड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी आ गई है, देखिएगा नहीं हमारी गाड़ी भी आ गई है। लड्डू अपन जा रहे हैं बेटा, अपन जा रहे हैं घर को छोड़ के दूसरे घर में। लड्डू जाएगा नए घर में, लड्डू की लाली है। देखते हैं पूरे ही आओ तो को अच्छा पता खुलवा देंगे अपन जी। बहुत फैला रहा हो जाएगा भैया, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जैसे देखो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उनका तो चला जाता है सामान, ज़्यादा सामान मतलब कि हमारे यहाँ। तो अभी अंदर का सुन ले दो, बिस्तर वगैरह बहुत फैला रहा है। और पता मेरा घर छोटी जान का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतनी सारी मेमोरीज भी बनाएंगे। तुम ले लो घर उजड़ना है तो मुझे रही हो खूब बड़ा है अच्छा हैं दादी। आपको बुरा नहीं लग रहा हैं दादी? ऐसे नहीं मांगती मैं। बसंती आपको बुरा नहीं लग रहा हैं किराए के मकान है क्या बुरा बात है? दादी का कहना है जब ग्वालियर वाले घर से आ सकती है, जब अपने ही घर छोड़ के आ गए तो इस घर से क्या आ सकती है ना। किराए में तो जाते हैं लेकिन जहाँ रहते हैं तो वहाँ रहते हैं वहाँ से हो तो जाती है ना, जाती है ज्यादा नहीं, चार पाँच साल। लेकिन मम्मी कसम से इससे पहले जितने मकान चेंज करे हैं ना नहीं हुआ, नहीं हुआ इस बार, पता नहीं इस बार चार जन मिलने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, जहाँ चार जने मिल लेते हैं बोलने वाले चालने वाले वहाँ बुरा लगता है। वहाँ घर से कोई बुरा नहीं लगता? नहीं वहाँ कौन है बोलने वाले, अब वहाँ कौन है आपको बोलने? वो आंटी बोले तो करे लो ये तो तुम्हें बोलने वाले बताओ। नहीं नहीं घर से हो जाता है, घर से हो जाता है। आप कंटिन्यू चार साल यहाँ पे रहे हो और इतनी सारी चीज़ें मिली हैं जहाँ से, उस घर के आप कैसे एकदम छोड़ के लगता है बुरा लगता है। लेकिन ये है कि वो वाला घर भी बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा है, ऐसे बड़ा है। दुकान जाऊं क्या? दुकान पागल है हाँ? चल चल जाओ। आ रही आ रही, पर्स मोबाइल सब मैंने अपने कार में रख दिया, पूरा घर वो सब तो मैंने रख दिया कार में। सुनो ना एक्चुअली क्या हमने पर्स वगैरह सब रख दिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत पैसे ना आपके अलमारी में ऐसे देखो कितनी शेल्फ ख़राब हो रही है, इन सब में थोड़े बहुत पैसे अंदर छुपे रहते हैं, छोटे छोटे पर्स ना पैसे रहते हैं, तो इसमें चेक करना पड़ेगा, पापा खड़े होकर करवाएंगे। मेरा रूम, ये मेरा रूम। हाँ मम्मी देना चादर देना दो तीन बड़े बड़े डबल बेड के। कमरा मेरा ड्रेसिंग एरिया। ओहो सही बता रही हूँ, ग्वालियर वाले घर को छोड़ के आई थी तब इतना बुरा लगा था, और उसके बाद जितने मकान चेंज करे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे खुशी होती है नए घर में जाने की, लेकिन इस बार बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी मेमोरी है, लेकिन कोई बात नहीं नए घर में नई मेमोरीज बनाएंगे और परमानेंट वाली बनाएंगे। यहाँ से हमको जो मिला है उसको वहाँ जाके परमानेंट कर देंगे। वो आइसक्रीम पड़ी हुई है वहाँ पे, पूरा घर ऐसे फैल रहा है ना हमारा, देखो बस ज़्यादा नहीं बुला रही। पापा जाओ मम्मी बुला रही हूँ। अरे मेरे को दो मिनट पहले ऊपर चंद्रा भेज दो।
है जब हम लोग ग्वालियर से भोपाल आ रहे थे ना, तो ग्वालियर कितनी चीज़ें थी ना वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जन्म वहाँ हुआ, मेरा पापा का, चाचा का, दीदी का, सब लोग वहीं से थे। मम्मी पापा, मम्मी और दादी वहीं से मैरिज करके आई, वहीं पर आई, शादी के इतने साल रहीं, दादी तो बहुत ही रही। तो उस जगह को छोड़ के मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था, अपने घर को बाय करना बहुत मुश्किल था। और जिस रात हमने अपने घर में आखिरी रात हम सोए थे, उस टाइम पे भी हम लोग ऐसे सारे लोग चारों पांचों एक साथ दादी के रूम में, नीचे वाले घर में सोए थे, नीचे वाले रूम में, क्योंकि वो घर हमारा बहुत बड़ा था, 3 मंजिल का। तो हम नीचे दादी के रूम में सोए थे क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ था, गंदा पड़ा था, और सुबह हमको निकलना था। और आज भी हम लोग इस वाले घर में भी ना, नीचे दादी के रूम में ही सब लोग सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। मैं यहाँ पे 2:30 बजे वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि काम है, वीडियो जाना है, सो गई तो जा नहीं पाएगा, वीडियो टलता रहेगा तो मैं काम करके सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। लेकिन घर की, बाय गॉड, घर की बहुत याद आएगी मुझे, क्योंकि पता नहीं मुझे ग्वालियर वाले घर की तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन इस वाले घर की बहुत याद आएगी मुझे। वही है ना, फिर मैंने अपने आप को और सबको, ने मम्मी को और मुझे तो बहुत ही आएगी, और हम दोनों ने एक दूसरे को यही बोला है कि कोई बात नहीं, जब अपने ग्वालियर वाले घर से आशक्ति नहीं रखी, वहाँ से मूव ऑन कर लिए, तो यहाँ से किसी और के घर से क्या ही रखना। लेकिन यादें हैं ना, 4 साल एक जगह रहना बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन आई होप अब हम नई मेमोरी परमानेंट वाली जल्दी बनाएं। हम लोग आ गए हमारे नए घर पे, ये मेरा मेरा कमरा है, मेरा दीवार डाल दिया विंडो के सामने, मुझे विंडो अच्छी लगती है। हमारा ये मेरा घर काफ़ी ज़्यादा और स्पेशियस है, और बैक गॉडरेज अच्छा भी है, बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे ना सारे जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे सामान सेट करने में थोड़ा आसानी हो रही है, वहाँ उस वाले घर में थोड़ा परेशानी थी क्योंकि हल्का कंजेस्टेड था हॉल वगैरह, जी नहीं हॉल, लेकिन ये खुला खुला है। सामान जैसे एडजस्ट करना है वैसे कर दो, बोल स्टोर रूम में रखा था सारे सारे। पूजा पाठ का सामान भी है, खिलाने का भी पूरा सामान है, पूरा डेट पूरा डेली होता है। ये अपना वीडियो जो वृंदावन वाला मेरा घर है ना शाम पर, वो भी घर ऐसा ही है कि मतलब आप जहाँ भी बालकनी खोलोगे, छत पर जाओगे, विंडो खोलोगे, तो वहाँ पर ना सारे चारों तरफ खेत हैं, तो उसकी वजह से हवा इतनी अच्छी चलती है ठंड के टाइम पे, तो मतलब ठंड के टाइम पे तो वहाँ का कोई कंपैरिजन नहीं है। वृंदावन, मेन वृंदावन जो हमारा, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इतना ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से ना वहाँ पे आपको इतनी ठंड लगेगी, बट एज़ कम्पेयर टू धाम वहाँ पे आपको बहुत ही ठंड लगेगी जहाँ पे हमारा घर है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ खेत है ना, तो बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, हवा बहुत अच्छी आती है, और क्या बोलते हैं, ठंडक बहुत होती है। ठंड के टाइम में तो डैम मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसे ही वाला घर है, यहाँ से भी हमारा चारों तरफ खेत वगैरह हैं, छत पे जाओगे तो रोड दिखेगी जो वृंदावन वाले घर में है, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर भी, और भगवान की कृपा से ये वाला घर हमको अच्छा मिला है। पूरा वैसा ही है, खेत वगैरह हैं, ग्राउंड है, बहुत अच्छी हवा आती है, रात में तो छत पे मज़ा आता है। हम लोग जब घर देखे आए थे तब छत पर गए थे, तब देखा था, बहुत अच्छा लगता है। हमारी किचन में हम सबको क्लीन करना है, उन लोगों ने क्लीन करके दिया है, बट से धूल हो रही है, यहाँ पर हमने गणेश जी बैठाए थे, और ये हमारी चिमनी वगैरह सब लगी हुई है। दादा धूप नहीं आ रही है यहाँ पर, है ना? लेकिन पता है ये बहुत ज़्यादा, मैं कितनी मोटी हो गई, ज़्यादा ही मोटी हो गई। ओ क्या, अभी ना इस वाले घर में थोड़ा पराया पराया सा लग रहा है ना पापा, लग रहा है कि थोड़ा पराया सा लग रहा है, थोड़ा सा नया नया लग रहा है, हैबिट नहीं है ना, बड़ा बहुत है। कलर कॉम्बिनेशन भी सटल है, अच्छा है, लाइट सा है, अच्छा है। अब
बस सेट हो जाए, 3-4 दिन में सेट हो जाएगी। भैया लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आनी है, पापा भी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आएंगे जो भी लोग पियेंगे, और समोसे नाश्ता, समोसे कचौड़ी, क्योंकि इतनी गर्मी है, बहुत मेहनत है, मेहनत का काम है। तो अभी नाश्ता वगैरह लेकर आएंगे, और हम लोग भी आज रात में बाहर वृंदावन ढाबे में खाना खाने जाएंगे, अपना ही होशंगाबाद। नहीं 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 होशंगाबाद रोड उस साइड पे अच्छा वृंदावन ढाबा होटल वही है, बहुत अच्छा है, वहीं पे आ जाएंगे रात में खाना वाना खाने। और आज पुराने वाले घर में ही सोएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वैसा है, तो कल चाबी रिटर्न करके यहीं पे आ जाएंगे। ए ऑटो पे जाना तो बचता है दादी वाला देखना। बहुत ज़्यादा थक गए सच में, नहीं नहीं तो ये हाँ ये हमने कोल्ड ड्रिंक हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई है इसको रखो, और ये समोसे वगैरह हम कॉल आया क्या भैया का, अभी कॉल आया था ना, नहीं आया। हाँ तो आ जाओ ना बैठो, गरम हो जाएगा, पीछे रख दो। अभी भैया का भी कॉल आया था, लेबर लोग जो भी है भैया लोग सब पहुँच गए वहाँ पे घर पे, तो उनको थोड़ा नाश्ता पानी करवाते हैं, गर्मी में चाय कौन पीता है ना, कि वो लोग भी पूछ रहे, तो सॉफ्ट ड्रिंक ले आए, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे सब लोग बैठ कर, भैया लोग समोसे वमोसे खाएंगे, हम लोग हमारे लिए लेके नहीं आए, उनके लिए लेकर आए, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो समोसे कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा है, भैया लोग तो सुबह से कर रहे हैं, तो उनके लिए नाश्ता वाश्ता ले जाए, तो एक डेढ़ घंटे के अंदर और थोड़ा सामान जो है बक्से वक्से रखे हुए हमारे वो सब खाली हो जाएगा, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शाम के टाइम पे हम इतना छोटा वाला इतना अभी का हैंडिक है ना, अभी हमको दुकान को भी मैनेज करना है, क्योंकि आज हमारी दिन भर से दुकान नहीं खुली है, सुबह खुली थी थोड़े टाइम के लिए, मतलब दूध लेने के लिए गए थे पापा, वो डिस्ट्रीब्यूटर रहते ना अमूल के डेली, तो उनसे दूध लेने गए थे, उसके बाद बढ़ा दी थी। अब शाम को कवर करने के लिए हम जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं शिफ्टिंग से, वैसे हम लोग अब शाम को दुकान खोलेंगे, और रात में 11-12 बजे तक तो शॉप ओपन रखेंगे, क्योंकि रात में कवर अप हो जाता है, तो फिर उसके बाद रात में खाना खाने जाएंगे हम होशंगाबाद रोड, फिर वृंदावन ढाबा, फिर अपने पुराने वाले घर में रात बिताएंगे, अगले दिन फिर कल जाएंगे अपने नए वाले घर में, सब सेट करना शुरू करेंगे। कितना लंबा व्लॉग बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन भर हमने काम कर रहे हैं, और पता है जो हमारे टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ी आई थी, भैया लोग भी इतना ज़्यादा थक गए थे, उनको इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा सामान होगा, लेकिन सच में बहुत सारा सामान था, बहुत ही, वो खुद कह रहे थे भैया आपके कपड़े बहुत है। कपड़ों में सब आता है, जैसे हमारी बेडशीट वगैरह भी हैं, कपड़े भी हैं डेली पर्पज़ के, सारे कुछ आते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग रात में ना अपना खाने पीने आए थे, और पता है क्या हुआ, हमारी जो हमारा जो फ्रिज है वो नए वाले घर में ट्रांसफ़र हुआ है, तो चालू नहीं हुआ है अभी फ्रिज, तो मम्मी यहाँ पर क्या कर रही थी ना, मम्मी ने ना क्या करा, दिमाग लगाया कि बॉटल खरीदे पानी की, है ना, तो रात तो बितानी है बस, सुबह तो हो ही जाएगा इंतज़ाम, तो मम्मी दादी ने क्या करा, जो ढाबे में पानी था ना ठंडा चिल्ड पानी दे रहे थे आरो का, तो मम्मी ने वही अपने उसमें बॉटल में भरना शुरू कर दिया। ये चलकपना होता है। जस्ट अभी 12 बज रहे हैं, हमने शॉप बढ़ाई है, नहीं दे रही, जस्ट हमने अभी शॉप बढ़ाई है 12 बज रहे, अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन ढाबा, वहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा, मिलते हैं मरने से हम लोग, सभी हरे कृष्ण जय श्री राधे श्री कृष्ण हरे श्री, कि हमारा मुँह ख़राब हो रहा है सबका, इतना डस्ट में हो रहा है ना फेस, कि अभी मैं अगर वाइप से अपना फेस साफ़ करूँ ना तो इतनी सारी डस्ट निकलेगी, तो आज सबकी हालत ख़राब है, तो सब ऐसे ही उजड़े चमन बन के जा रहे हैं होटल में खाना खाने। दादी कह रही है मैंने मेहतरानी वाली साड़ी पहन के रखी है, ऐसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा दोनों घर जो हमारा अभी हम रह कर आ रहे हैं वो और हमारा नया, दोनों की चाबियाँ हमारे पास ही हैं, लेकिन अभी हम पुराने वाले घर में सोने जाएँगे, क्योंकि वहीं पर सेटल हैं, तो अभी थोड़ा वहीं पर सो जाएँगे, अगले कल जाएँगे नए वाले में, और धीमे धीमे सेट करेंगे, कल फाइनल उसको खाली कर देंगे, सब वहीं पे जाके अपना थोड़ा सा नहाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि बहुत काम है कल,
3-4 दिन तो हमारे ऐसे निकले ही पता नहीं है। हम वीडियो एंड करते हैं, बाय।